दिल्ली के शाहीन बाग में बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मुजाकरातकार शाहीन बाग पहुंचे हैं, हालांकि पहले भी मुजाकरातकारों और मुजाहरीन के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मुजाकरातकार सीनियर वकील संजय हेगड़े और साधना शाहीन बाग पहुंचे थे। इसके बाद वजाहत हबीबुल्ला भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुजाहरीन से कहा कि एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन दूसरों की परेशानी का भी ख्याल रखना चाहिए। मुजाहरीन मुजाकरातकारों से मीडिया के सामने बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मुजाकरातकारों का कहना है कि मीडिया के सामने सारी बातें मुमकिन नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ कोई फैसला देने नहीं आए हैं। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन के बाद वजाहत हबीबुल्ला ने भी मुजाहरीन से मुलाकात की। पहले दिन की बातचीत नाकाम रहने के बाद अब जुमरात को फिर मुजाहरीन से बातचीत होगी। हम आपको बता दें कि शाहीन बाग में सीए के खिलाफ 67 दिनों से धरना और मुजाहरा मुसलसल जारी है। एक इंटरव्यूअर हबीबुल्ला साहब, जो कि कुछ या काफी आप लोगों के साथ सहमति जिनकी है, उन्होंने एक इंटरवीनर्स एप्लीकेशन तस्नीम अहमदी एडवोकेट के जरिए फाइल की। उसका ये मतलब है कि वो आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनके जरिए। समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। मैंने जायजा लिया, लोगों से बात की, सर आप जिस मकसद के लिए आए थे कि ये लोग बात करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो मकसद तो पहले से आपका हल निकला कि बात करने को तैयार है। बिल्कुल, तो अब आप क्या करने वाले हैं सर? अब मैं बताऊंगा, और इससे फायदा ही फायदा हो सकता है। लेकिन खाली करने की बात भी बार बार आ रही है सामने, तो ये बात तो इंटरलोक्यूटर्स बात करेंगे इसके बारे में। हमें तो सिर्फ ये कोशिश करनी थी कि तैयार हो जाए बात करने के लिए, वो पहले से तैयार। वी होप टू स्पीक टू एवरीवन, वी ओनली आस्क दैट यू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द प्रोसेस। वी विल स्पीक टू एवरीवन इनसाइड, वी विल कीप एवरीवन ब्रीफ ऑन एन इक्वल बेसिस विद नो फेवरेट्स। We just want to speak to everyone inside. We hope to resolve the matter with everybody's cooperation and good faith. पहली बार आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी बातचीत रहेगी, और हम सबसे मिलना चाहेंगे, सबकी बात सुनना चाहेंगे। हम सब नागरिक हैं, वो सिटीजन, तो एक दूसरे की बात सुनना जरूरी भी है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहिए। मैं